इस वेदों के उद्घोष को अपनाएं, वैदिक संस्कृति को अपनाएं, और इस संस्कृति में जो जो बातें हमको बताई हैं, उनका हम आचरण करें। जैसे हम वैदिक संस्कृति को देखें तो उसमें कई सारे योग करना, यज्ञ करना, शुद्ध आचरण करना, आयुर्वेद का आचरण करना, खान पान हमारा सही हो, हमारी जो कृषि हो वो यज्ञ के द्वारा कल्पित हो, यज्ञ के द्वारा समर्थ बनाई हुई हो, उसमें जो कृषि होती है उस अन्नों को हम धारण करें। इसलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी तो कहा है कि जैसे पूर्व काल में, वैदिक काल में जिस प्रकार से यज्ञ होते थे, उस यज्ञों के कारण अन्न फूल फूल साग सब्जियों से लेकर के सारे अन्न अति उत्तम हुआ करते थे, सब निरोगी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस उत्तम अन्न को खाते थे, उत्तम वायु को वो लेते थे, जिसके कारण वो उत्तम स्वास्थ्य को और उत्तम अन्न को प्राप्त करने, जैसा खाए अन्न वैसा हो ये मन, उत्तम अन्न को खाने से उनकी बुद्धि भी उत्तम हुआ करती थी, उनका मन भी उत्तम हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सब जगह पे सुख शांति समृद्धि देवत्व ऋषित्व की स्थापना हुआ करती थी, सत्व सत्व का साम्राज्य हुआ करता था। और आज भी यदि हम यज्ञ करें तो वैसा ही हो, आज भी यदि हम यज्ञ करें तो हम जैसे पूर्व काल में सुख शांति समृद्धि से लेकर के चारों ओर जो सत्व का वातावरण था उसको हम फिर से स्थापित कर सकते हैं केवल यज्ञ से। और यज्ञ हमारी संस्कृति का प्रतीक है, मूल है। यदि उस मूल को हम छोड़ देंगे, उस मूल को हम भूल जाएंगे तो हमारा कभी भी विकास नहीं होगा, अभी तो अवनति होगी। जैसे पेड़ होता है, पेड़ अपने मूलों को छोड़ दे, अपने मूलों को भूल जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है उस पेड़ का, मूल के सूखने पर पूरा पेड़ सूख जाता है। इसी प्रकार हमारा जो मूल है वह संस्कृति है, वह वेद है, वह ऋषित्व है, वह सत्व है। यदि उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, उसका हम आचरण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सूख जाएंगे, ह्रास को प्राप्त होंगे, दुख को प्राप्त करेंगे, कष्ट को प्राप्त करेंगे, अज्ञानता को प्राप्त करेंगे। और अज्ञानता ही सारे अशुभों की जड़ है, इसलिए अज्ञानता से मुक्त होना वह होगा संस्कृति से, वह होगा वेदों के स्वाध्याय से, सत्संग से, वेदों के स्तवन से, वेद मंत्रों का चिंतन मनन करने से, उसके अनुसार आचरण करने से। आइए हम भी इसका आचरण करें, हम भी इसको इसका स्तवन करें, इसको सुने, उसको अपने भीतर उतारे, उसके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन जो पूरा क्रम है, और साक्षात्कार को प्राप्त करें। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जो एक स्टेप है, उसको हम अपनाएं, उसके अनुसार चले, और अपने जीवन में हम यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ एक ऐसी सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति है, हमारे तन को भी ठीक कर देगा, हमारे मन को भी ठीक कर देगा, हमारी बुद्धि को भी ठीक कर देगा, हमारे वायुमंडल को भी ठीक कर देगा, हमारी भूमि को भी ठीक कर देगा, हमारे अन्न फल फूल साग सब्जियां उनको भी ठीक कर देगा। सारे चराचर ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, विकृति है, न्यूनता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है तो उसको भी ठीक कर देगा। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नामि, यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो सारे इस चराचर भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि है। और जब तक हमारी नाभि ठीक है तो सारा कुछ ठीक रहता है। जैसे हमारे शरीर में भी हमारी नाभि है, वो ठीक होती है तो हम जो भी अन्न फल फूल साग सब्जियां खाते हैं वो ठीक पचन होता है, और उसके माध्यम से पूरे शरीर में जो रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र ओजरज जो भी धातु आदि बनते हैं वो सब सही रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब हम माता के गर्भ में होते हैं उस समय भी हमारा जो पालन है, हमारा पोषण है, वो हमारी नाभि के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से जो ये यज्ञ है वो सारी के सारे भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि है। हम यज्ञ करेंगे तो ये पूरा भूमंडल ब्रह्मांड पोषित होगा, सुरक्षित होगा, उसमें संतुलन स्थापित होगा, उसकी विकृतियां दूर होगी। और जब उस शुद्ध पवित्र सुगंधमय वातावरण में, दिव्य ब्रह्मांड में हम रहेंगे, उस स्थान पे हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा, और सबके लिए अति उत्तम अति श्रेष्ठ और सबके लिए श्रेष्ठ कर श्रेष्ठतम यह मार्ग है। इसलिए आइए इस वैदिक संस्कृति का जो मूल है यज्ञ, उस यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस समाज में, ब्रह्मांड में और संपूर्ण अस्तित्व में हम सत्व का आधान करें। आज इतना ही, इसी के साथ शांति शांति शांति।